लंका से लौटकर रामदूत हनुमान ने श्री राम को सीता का संदेश सुनाया और उनसे कहा रावण को दंड देना आवश्यक है। उसके बाद श्रीराम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से रावण का वध कर दिया, उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया और स्वयं सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या लौट गए। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। श्रीराम ने रावण विजय का पूरा श्रेय हनुमान को दे दिया, मगर परम भक्त हनुमान ने यह घोषित कर दिया कि जो कुछ हुआ है वो श्रीराम की वजह से ही हुआ है। अगर श्रीराम की कृपा ना होती तो परम भक्त हनुमान कुछ न कर पाते। भगवान के प्रति ऐसी अतुल भक्ति केवल हनुमान जी में ही देखी जाती है। हनुमान जी ने ही श्रीराम का नाम अमर कर दिया है और भगवान के प्रति अपनी ऐसी भक्ति के कारण वे स्वयं भी अजरामर हो गए हैं। करने वंदन चरणों में बजरंगी, करने वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे रोज आएंगे। करने वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे रोज आएंगे। द्वार पे तेरे अपनी विपदा सुनाएंगे, द्वार पे तेरे अपनी विपदा सुनाएंगे, अपने हृदय का हम हाल सुनाएंगे, अपने हृदय का हम हाल सुनाएंगे। करने पूजन चरणों में महावीरा, करने पूजन चरणों में महावीरा, मंदिर में तेरे रोज आएंगे। करने वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे रोज आएंगे। संकट हारी तेरी लीला पार है, संकट हारी तेरी लीला पार है, दिल में तुम्हारे अपने भक्तों का प्यार है, दिल में तुम्हारे अपने भक्तों का प्यार है। करके अर्चन चरणों में मारुत नंदन, करके अर्चन चरणों में मारुत नंदन, भक्ति के गीत रोज गाएंगे। करके वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे रोज आएंगे। ओ दर पे तेरे रोज आएंगे, दर पे हम तेरे रोज आएंगे। श्रद्धा सुमन हम तुमको चढ़ाएंगे, श्रद्धा सुमन हम तुमको चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे आरती दिखाएंगे,
करने पूजन चरणों में अंजनी लल्ला, करने पूजन चरणों में अंजनी लल्ला, भवन में नित प्रीत लाएंगे करने वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे